हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं एक बार फिर से समर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। समर्स में जैसे कि फ्रेंड्स आम और आम से बनी हुई रेसिपीज़, आम से बनी हुई डिशेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये, तो इसलिए आज मैं आम से बनी हुई आपको एक और बहुत ही अच्छी डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी बताऊंगी और वो है आम से तैयार होने वाले लड्डू। इसमें हम यूज़ करेंगे, इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट होंगे वो होंगे आम और ड्राई फ्रूट्स। आम के लड्डू बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक बड़ा आम लेना होगा जो 300 ग्राम के लगभग का होगा। उसके साथ ही साथ आपको एक कप चीनी लेनी होगी और ड्राई फ्रूट्स लेना होंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन मुताबिक जो आपको अच्छे लगते हो वो उन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जिन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है उसमें है वॉलनट्स, आलमंड्स, कोकोनट और रेजेंस यानी कि किशमिश, तो इन ड्राई फ्रूट्स का मैंने यूज़ किया है। इसके साथ ही साथ हमें थोड़े से घी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए चलते हैं बनाते हैं आम के लड्डू। सबसे पहले तो आम को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए, उसको पील ऑफ कर लीजिए और उसे अच्छे तरीके से उसकी प्यूरी बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। आम लेते टाइम आपको ये इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आम जो भी आप आम लेते हैं उस आम में रेशे ना हो, क्योंकि अगर आपके आम के अंदर रेशे होंगे तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाएंगे। अब आपको एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालकर उसमें जो आपने कोकोनट लिया हुआ था उसको कद्दूकस करके अच्छी तरीके से उसमें डाल के उसको भूनना है। और ये याद रखना है कि आपको नारियल को सिर्फ थोड़ा भूनना है जब तक उसमें बहुत अच्छी खुशबू ना आ जाए, और बाकी आपको उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। कोकोनट भून लेने के बाद में अब आपको कोकोनट को एक प्लेट में अलग निकाल देना है। अब फिर से 1 टेबल स्पून घी डाल के कढ़ाई में अब जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे यानी कि आलमंड, वॉलनट्स और रेजेंस, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको कढ़ाई में डालकर अच्छी तरीके से भून लेना है। अब भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को आपको एक प्लेट में अलग निकाल लेना है। अब ड्राई फ्रूट सारे भुन गए हैं। अब आपको जो करना है वो ये स्टेप है कि आपको एक कढ़ाई में फिर से 1 टेबल स्पून घी का लेना है। उसमें आपको मैंगो प्यूरी, जो आपने मैंगो का पेस्ट तैयार किया है, उसको डालना है और अच्छे से 2-3 मिनट के लिए उसको पकाना है। आपको ये याद रखना है कि जो आप मैंगो प्यूरी पका रहे हैं वो मीडियम फ्लेम पर पकाएँ, हाई फ्लेम पर ना पकाएँ। दो मिनट मैंगो प्यूरी पका लेने के बाद में अब आपको उसमें शुगर ऐड करना है। शुगर को भी आपको बहुत अच्छे से मैंगो प्यूरी में मिक्स करना है ताकि दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब दोनों को बहुत अच्छे से चलाते रहना है ताकि वो कढ़ाई में चिपके ना। आप देखेंगे कि जब आप शक्कर ऐड करते हैं उसके कुछ देर बाद मैंगो का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो जाता है। पाँच से सात मिनट तक अच्छे से मैंगो प्यूरी के और शुगर के मिक्सचर को चलाने के बाद में आप देखेंगे कि वो मिक्सचर बहुत गाढ़ा होने लगा है। जब वो हल्का गाढ़ा होने लगे तो अब आपको उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं। अब उन ड्राई फ्रूट्स को उसमें ऐड कर दीजिए और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके उसको बहुत अच्छे से सबको चलाइए और चलाते रहिए। अब आपको जब तक इस पूरे मिक्सचर को चलाना है, जब तक कि ये मिक्सचर बहुत अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, जमने लायक इसकी कंसिस्टेंसी ना हो। अब आपका मिक्सचर तैयार है। अब इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लीजिए और उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप अपने हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाइए और घी की हेल्प से आप छोटे छोटे लड्डू तैयार करिए। लड्डू तैयार हो जाने के बाद में अब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से गार्निश कर दीजिए। गार्निशिंग के लिए मैंने जिन चीज़ों का यूज़ किया है वो है थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, आलमंड और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी।
गार्निशिंग के बाद अब लड्डू सर्विंग के लिए तैयार है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजी है घर पर ही मैंगो के डिलीशियस और टेस्टी लड्डू तैयार करना। आई होप आप इस रेसिपी को जरूर से अपने घर पर ट्राई करेंगे और अपने लव्ड वन के साथ भी इस रेसिपी को जरूर से शेयर करेंगे। तो इसी के साथ में अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से बताइए कि आपने जो लड्डू बनाए वो कैसे बने। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।